हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स स्टैटिक जी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम जानेंगे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में, इसके अलावा जितने भी वन लाइनर्स होंगे उसके बारे में, जो भी यहाँ के राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय प्रतीक होंगे, राष्ट्र उद्यान होंगे, या लोक नृत्य होंगे, या त्यौहार होंगे, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा और भी जो अधिक जानकारी होगी वो भी हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों ये वीडियो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो SSC का एग्जाम हो, या रेलवे का एग्जाम हो, या बैंक का एग्जाम हो, या स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, वहाँ से आपके लिए स्टेटक का जो क्वेश्चन या स्टेटक का पोर्शन आता ही है। और आजकल तो स्टेटक GK में बहुत सारा कुछ आता है, तो इस वीडियो से आपका सारा कवर हो जाएगा। सबसे अच्छी बात दोस्तों इस वीडियो की ये है, इस वीडियो को बहुत ही शॉर्ट तरीके से बनाया गया है, एक ही वीडियो को बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में बनाया गया है, ताकि आप एग्जाम से पहले जाकर इस वीडियो को देखें। आपके जितने भी क्वेश्चन होंगे यहाँ से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं तेलंगाना के बारे में। तो दोस्तों भारत के मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे, तेलंगाना स्टेट की है, तेलंगाना का ये ब्रॉड मैप है। मैं आपको एक रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले आप एटलस खोलें, एटलस में जो तेलंगाना का मैप है उस पर जाएं। तेलंगाना के मैप में आप ये स्टेट जिला वाइज जो मैप होगा उसको देखें, साथ ही फिजिकल मैप होगा उसको भी देखें। दोस्तों वीडियो में फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आप मैप में जो बहुत जगह देखते जाएंगे, इसके अलावा आप मैप से जानकारी लेंगे, क्योंकि आपके जो स्ट्रेटेजी का पोर्शन है वो दोस्तों अधिक से अधिक जब आप मैप देखते हैं तो उसमें ही कवर हो जाता है, बाकी जो भी बचा होगा वो हम याद कर लेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं, बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं तेलंगाना के कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में। बात करते हैं राजधानी की, तो हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। 2 जून 2014 को यह देश का 29वां राज्य बना था और इसे आंध्र प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। जनसंख्या घनत्व 312 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और इसका लिंगानुपात 988 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, ये लिंगानुपात है तेलंगाना का। दोस्तों बात करते हैं आधिकारिक भाषा की, तो तेलुगु और उर्दू ये दोनों तेलंगाना की आधिकारिक भाषाएं हैं। अगर हम बात करें सीमाओं की, तो उत्तर में महाराष्ट्र से तेलंगाना की सीमा टच होती है, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, पश्चिम में कर्नाटक से, वहीं दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश से इसकी सीमा टच करती है। दोस्तों ये एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आपके एग्जाम से ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि निम्न में से कौन सा लैंड लॉक्ड स्टेट है, ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसलिए सीमाओं के बारे में हमें जानकारी होना अति आवश्यक है, और इसके लिए हमें एटलस खोलना जरूरी है। वहां पर आप देखें, मैंने मैप में वैसे बताया ही है, लेकिन एक बार एटलस आप अच्छे से देख लें, उसमें आपको सीमाओं की जानकारी हो जाएगी। अब बात करते हैं यहाँ की उच्च न्यायालय की, तो हैदराबाद तेलंगाना का उच्च न्यायालय है। जिले कुल 30 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 119 है। बात करें लोकसभा सदस्यों की, तो 17 यहाँ पर लोकसभा सदस्य हैं, वहीं राज्यसभा सदस्यों की संख्या 7 है। नेक्स्ट बात करते हैं राजकीय पक्षी की, तो पाप पीता इंडियन रोलर यहाँ का राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष की बात की जाए तो जम्मी चट्टू यहाँ का राजकीय वृक्ष है। राजकीय पशु की बात की जाए तो जिंका हिरण राजकीय पशु हो जाता है तेलंगाना का, वहीं राजकीय फूल तेगड़ू पुब्बू यहाँ का राजकीय फूल हो जाता है। बात करते हैं प्रथम मुख्यमंत्री की, तो के चंद्रशेखर राव प्रथम मुख्यमंत्री हुए थे। प्रथम राज्यपाल में ESL नरसिम्हा प्रथम राज्यपाल है तेलंगाना के। वहीं बात की जाए नदियों की, तो कृष्णा मूसी मंजीरा गोदावरी ये प्रमुख नदियां हैं। दोस्तों आपको याद रखना है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है, वैसे मैं ये आपको वन लाइनर इसी वीडियो में कवर कराऊंगा। प्रमुख फसलों की बात की जाए तो चावल गन्ना कपास आम तंबाकू ये प्रमुख फसलें आपको तेलंगाना में मिलेंगी। अब बात करते हैं बांध और परियोजनाओं की, तो कुछ इंपोर्टेंट बांध आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में इनको कवर किया है। निजाम सागर बांध ये मंजीरा नदी पर बनाया गया जो तेलंगाना में है। नागार्जुन सागर इसे हम श्रीशैलम के नाम से भी जानते हैं, इसे कृष्णा नदी पर बनाया गया है। श्रीराम सागर परियोजना ये गोदावरी नदी पर बनाई गई है, तेलंगाना में ही है। और पोचमपाद बांध ये गोदावरी नदी पर बनाया गया है। दोस्तों ये सभी बांध तेलंगाना में ही बनाए गए हैं। अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों की, तो कौन कौन से पर्यटन स्थल आपको तेलंगाना में मिलेंगे इनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि आपसे वन लाइनर में पूछा जा सकता है, लाइक गोलकुंडा किला किस राज्य में है, या फिर नेहरू जूलॉजिकल पार्क किस राज्य में है। तो मैंने यहाँ पर आपको बताया है हुसैन सागर झील, महावीर हरिणा वनस्थल, नेहरू जूलॉजिकल पार्क, गोलकुंडा किला, कुंतला जलप्रपात, चार मीनार, मक्का मस्जिद,
और हैदराबाद ये प्रमुख पर्यटन स्थल आपको तेलंगाना में मिलेंगे। बात करें यहाँ के त्योहार की तो प्रमुख त्योहारों में बगुथम्मा, बोनालू, नागोबा जतारा ये प्रमुख त्योहार आपको तेलंगाना में मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रीय उद्यानों की तो कबल राष्ट्रीय उद्यान, मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान, पोचाराम राष्ट्रीय उद्यान, पखाल राष्ट्रीय उद्यान, कनेरसानी राष्ट्रीय उद्यान ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको तेलंगाना में मिलेंगे। यहाँ से तो दोस्तों चाहे आपका स्टेट का एग्जाम हो या SSC का एग्जाम हो यहाँ से तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, राष्ट्रीय उद्यान से आजकल एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही है। बात करते हैं यूनेस्को साइट की मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर हाल ही में यानी 2021 में यह यूनेस्को साइट में ऐड किया गया और इसका दूसरा नाम रामप्पा मंदिर भी है तो आपको ये याद रखना है। हाल ही के एग्जाम में पूछा भी गया है और आने वाले बहुत से एग्जामों में ये पूछा ही जाएगा क्योंकि यूनेस्को साइट में ऐड होना बहुत बड़ी बात होती है। बात करते हैं यहाँ की जनजातियों की तो चेचू, सांगली, येनाड़ी, थोटू, नायक, वाल्मीकि, कुलिया, जदापू ये प्रमुख जनजातियाँ तेलंगाना में मिलती हैं। लोक नृत्य में हम बात करें तो पैरीना, शिव तांडव और थंडावम ये प्रमुख लोक नृत्य आपको तेलंगाना में मिलेंगे। भारत का 29वां राज्य बना था पर अब यह 28वां राज्य बना है क्योंकि अब भारत में कुल 28 राज्य हैं ये भी आपको याद रखना है। जैसा कि पता होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अब UT में कन्वर्ट कर दिया गया है जिससे अब भारत में राज्यों की संख्या घटकर 28 रह जाती है, पहले यह संख्या 29 थी। अब बात करते हैं कुछ वन लाइनर फैक्ट की जो आपके एग्जाम में मोस्ट इंपोर्टेंट है। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं यह एक लैंड लॉक्ड स्टेट है जैसे मैंने आपको बताया, यानी लैंड लॉक्ड का मतलब ये होता है कि आप ये जो राज्य है इसकी सीमा किसी भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं छूती है ना ही किसी समुद्री सीमा इससे छूती है तो ये भी आपको याद रखनी है। गोलकुंडा खदान से ही जो कोहिनूर हीरा है वह निकाला गया था, आपको पता ही होगा कोहिनूर हीरा के बारे में। हैदराबाद के निजाम का शहर मोतियों का शहर ये इसका नाम है, ये अलग अलग पॉइंट है, हैदराबाद के निजाम का शहर और मोतियों का शहर कहा जाता है। दोस्तों ISO सर्टिफाइड पहला चिड़िया घर जो था वह नेहरू जूलॉजिकल पार्क था। पहली प्रयोगशाला मांस परियोजना है जो दोस्तों हैदराबाद में बनाई गई है। विश्व की पहली और सबसे बड़ी इमिग्रेशन परियोजना कलेश्वरम लिफ्ट इमिग्रेशन परियोजना है तेलंगाना में ही बनाई गई है। देश का पहला फेस रिकॉग्नाइजेशन एयरपोर्ट राजीव गांधी एयरपोर्ट है जो हैदराबाद के एयरपोर्ट का नाम है। एक देश एक राशन पायलट प्रोजेक्ट में तेलंगाना को शामिल किया गया था। लक्कमपल्ली में देश का पहला मेगा फूड पार्क खोला गया है ये भी आपको याद रखना है। 2020 को आर्टिफिशियल वर्ष के रूप में घोषित किया था तेलंगाना में। दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट कुछ फैक्ट की तो सुनामी चेतावनी केंद्र हैदराबाद में स्थित है दोस्तों ये भी आपको याद रखना है। हैदराबाद के निजाम या संस्थापक निजाम उल मुल्क हैं। चेचू जनजाति आपको दोस्तों यहाँ पर चिंज नहीं चेचू जनजाति है, चेचू जनजाति आपको आंध्र प्रदेश में ही मिलती है। अनंतगिरी की पहाड़ियाँ यहाँ पर आपको मिलेंगी। हैदराबाद में चार मीनार का जो निर्माण है वह मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। नेक्स्ट बात करते हैं हैदराबाद के प्रथम निजाम मीर कमर उद्दीन खान सिद्दीकी थे। हैदराबाद को जो जुड़वा शहर वह सिकंदराबाद है, इन दोनों को जुड़वा शहर का नाम से जाना जाता है, हैदराबाद और सिकंदराबाद को। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों आंध्र प्रदेश के बारे में, इसकी लोकेशन आप देख पा रहे होंगे भारत की मैप में, यहाँ से उड़ीसा से इसकी सीमा से टच होती है, यहाँ से तेलंगाना से इसकी सीमा छूती है, इस तरफ से तमिलनाडु से और यहाँ से कर्नाटक से सीमा साझा होती है आंध्र प्रदेश की। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी की तो हैदराबाद वर्तमान में इसकी राजधानी है लेकिन अमरावती को इसकी प्रस्तावित राजधानी बनाया गया है। जनसंख्या घनत्व की बात की जाए तो 308 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर ये जनसंख्या घनत्व आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। लिंगानुपात में 993 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष ये लिंगानुपात आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा। मुख्य भाषाओं में तेलुगु और उर्दू ये दोनों मुख्य भाषाएं हैं। दोस्तों बात करते हैं उच्च न्यायालय की तो अमरावती जो उच्च न्यायालय है यहाँ का यानी आंध्र प्रदेश का उसे 1 जनवरी 2019 को बनाया गया है। राज्य दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है। राज्य गठन 1 नवंबर 1956 में किया गया था। आगे फैक्ट में हम जानेंगे भारत का यह पहला राज्य है जिसका गठन किया गया था भाषाई आधार पर। 13 कुल जिले हैं आंध्र प्रदेश में ये भी आपको याद रखने हैं।
विधानसभा सदस्यों की बात की जाए तो 175 विधानसभा सदस्य हैं, लोकसभा सदस्य कुल 25 हैं। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में कुल 11 राज्यसभा सदस्य हैं, वहीं राज्य की वृक्ष नीम है आंध्र प्रदेश का। बात करते राज्य की पुष्प की तो चमेली राज्य की पुष्प हो जाता है। कृष्णा जिंका हिरण ये प्रमुख या राज्य के पशु है। राज्य के पक्षी में रामा चिलका ये प्रमुख या राज्य के पशु है, आपको याद रखना है। प्रथम मुख्यमंत्री श्री नीलम संजीव रेड्डी हुए थे, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। दोस्तों बाद में ये भारत के राष्ट्रपति भी बने हैं। बात करते हैं प्रथम राज्यपाल की तो सीएम त्रिवेदी प्रथम राज्यपाल हुए। कृष्णा नदी में गोदावरी नदी और तुंगभद्रा नदी ये तीनों नदियां आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगी। सीमाओं की बात करें तो उत्तर में तेलंगाना, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, दक्षिण पश्चिम में कर्नाटक, दक्षिण में तमिलनाडु और पूर्व में बंगाल की खाड़ी की से आंध्र प्रदेश की सीमा छूती है। बात करें लोक नृत्य की तो कुचिपुड़ी, ओटम, थेडल, बेदी, लंबाड़ी और छदा ये प्रमुख लोक नृत्य आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। वहीं त्योहार की बात की जाए तो ब्रह्मोत्सव, पितर, त्यागराज, वर्षा, देवालु ये प्रमुख त्योहार आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। अब बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यानों की तो श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, नागार्जुन सागर राष्ट्रीय उद्यान और श्रीशीलम राष्ट्रीय उद्यान ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। दोस्तों जिसमें से आपको ये पांचों ही याद रखने हैं क्योंकि यहाँ से आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ जनजातियाँ कौन कौन सी हैं तो खोंड, कलमिस, भतरस, गदावस, यदादीस और चीनस ये प्रमुख जनजातियाँ आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगी। दोस्तों इन सभी में सासा पीछे आ रहा है तो आप ऐसी ट्रिक से याद रख सकते हैं कि जिनके भी जनजातियों के नाम में सा पीछे आएगा वो सभी आंध्र प्रदेश में आपको मिलेंगी। ये छोटी सी ट्रिक है दोस्तों, आप ऐसे याद कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ वन लाइनर्स फैक्ट की तो भाषाई आधार पर गठित होने वाला देश का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था जिसे 1953 में गठित किया गया था। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश के नेल्लूर जिला के श्रीहरिकोटा में स्थित है। पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में ही स्थित है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाली कर्णम मल्लेश्वरी आंध्र प्रदेश से है। आंध्र प्रदेश की प्रथम जो प्रारंभिक राजधानी वह कुर्नूल को बनाया गया था, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं पुलिकट झील कहां पर है तो ये आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील है। डचों ने मछलीपट्टनम को अपना पहला कारखाना खोला था, ये भी आपको याद रखना है। भारत का सबसे गहराई का बंदरगाह विशाखापट्टनम है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। भारत का सबसे गहराई का जो बंदरगाह है वह विशाखापट्टनम है जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तंबाकू अनुसंधान केंद्र राजमुंदरी में स्थित है। नल्लामलाई पहाड़, पालकोंडा, शिष्टलम, बेलकोंडा पर्वत श्रेणियां आपको आंध्र प्रदेश में मिलेंगी। अब दोस्तों यह जहां पर भी आंध्र प्रदेश का ज्योग्राफी वाला मैप है वहां पर आप इन सभी पहाड़ियों को सर्च करें और देखें क्या ये पहाड़ियां आपको आंध्र प्रदेश में मिलती हैं या नहीं। कृष्ण गोदावरी बेसिन को रवा बेसिन के नाम से जाना जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर आंध्र प्रदेश में स्थित है। देश के दूसरे और दक्षिण की पहली किसान ट्रेन अनंत नगर से आदर्श नगर चलाई गई थी। सुनील छेत्री जो एक फुटबॉलर हैं, यह आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं। रेलवे स्टेशन पर पहला देश का गेमिंग जोन जो बनाया गया है वह विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है। साइबर सिक्योरिटी हेतु एक रोबोट बनाया गया जिसका नाम साइबरा रखा गया है, यह आंध्र प्रदेश में ही बनाया गया है। पहली फ्रूट ट्रेन जो अनंतपुर से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक के लिए चलाई गई ये भी आंध्र प्रदेश में ही चलाई गई। तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन आंध्र प्रदेश में है और इसका केंद्र भी आपको बता ही दिया है, राजमुंदरी में है। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश को ही कहा जाता है। अरकू हिल स्टेशन आंध्र प्रदेश में ही आपको देखने मिलेगा, तो ये भी आपको याद रखना है, ये इसका नाम आपको याद रखना है, अरकू हिल स्टेशन। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के इंपोर्टेंट फैक्ट के बारे में। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, हैव अ नाइस डे।